एक लिंक ये संभावना हो सकती है कि कहीं अस्पताल जाते समय या वहाँ के माध्यम से कुछ हो सकता हो, या एक इनकी एक स्टाफ है जो बाहर से आती जाती रही हैं, जो उनके पॉजिटिव पाई गई हैं, एक लिंक वो हो सकता है। तो लिंक जो है अभी इस्टेब्लिश करने के प्रयास किए जा रहे हैं, मूल स्रोत क्या हो सकता है। लेकिन जहाँ तक यहाँ पर जो मामले उठाए जा रहे हैं कि इनका किसी तरह का शारीरिक शोषण हुआ है, बात पूरी तौर पर निराधार है, क्योंकि ऐसे मामले जो आते हैं CWC या न्यायालय के उसके माध्यम से आते हैं और इनको इन संरक्षण गृहों में रखा जाता है। जब आते हैं इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाता है और इसके बाद यदि जो प्रेग्नेंट भी रहती हैं किशोरियाँ, उनको समय समय पर उनकी NC भी कराई जाती है। और चूँकि अभी यहाँ वर्तमान में 7 मामले ऐसे हैं जहाँ गर्भवती किशोरियाँ हैं, जिनमें से 5 कोरोना संक्रमित पाई गई हैं और जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।